नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो सेशन है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस से गणित सब्जेक्ट से एमएससी करना चाहते हैं, ठीक है। राजस्थान विश्वविद्यालय से जो मैथमेटिक्स से एमएससी करना चाहते हैं उनके लिए आज का अपना ये सेशन रहेगा। इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स का कौन सा सिलेबस आपको टेस्ट में पूछा जाएगा, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कितनी टाइमिंग रहेगी, कितने क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, कट ऑफ क्या रह सकती है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितनी सीट्स रहती है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरेट पीजी 2024, यानी कि बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एडमिशन टेस्ट फॉर पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। हम बात करेंगे इसमें एमएससी सब्जेक्ट की, ठीक है। अपन इसमें बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट की, अपने जो एमएससी का सब्जेक्ट है एमएससी मैथमेटिक्स की, ठीक है। इसके अंदर अपन एमएससी मैथमेटिक्स का चर्चा करेंगे, एमएससी मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसका पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न किस प्रकार से रहता है। पेपर पैटर्न इसका दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, पेपर तो सेम ही रहता है लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका 70% मार्क्स तो आपको टेस्ट में मिलेंगे, ठीक है, और 30% मार्क्स आपको बीएससी से मिलेंगे। ये किस प्रकार से है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पेपर होगा, ठीक है, जो पेपर होगा दोस्तों वो पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर के अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इस पेपर में मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होगा वो एक मार्क का होगा, एक क्वेश्चन जो मार्क कैरी करेगा वो कितने कैरी करेगा, एक मार्क कैरी करेगा, क्लियर सभी स्टूडेंट को। और आगे देखना, और बीएससी में आपके फर्स्ट ईयर में कितने परसेंटेज है, सेकंड ईयर में कितने परसेंटेज है और थर्ड ईयर में कितने परसेंट है, इन तीनों ईयर का जो एवरेज परसेंटेज आएगा उसका 30% जो होगा वो एड होगा, ठीक है। कहने का मतलब है, मान लो किसी स्टूडेंट के 80% बीएससी में है, ठीक है, तो इसका 30% होता है 24, ठीक है, तो 24 एड होंगे, ठीक है। अगर किसी के 70 है तो उसके कितने हो गए 21, अगर किसी के 60 है तो उसके कितने हो गए 18, ठीक है। इस प्रकार से ये मार्क्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो और देखना, ये वाला जो पार्ट है ये देखते हैं, जैसे मान लो ये जो पेपर होता है, ये आपको जो पेपर होगा एग्जाम होगा, उस एग्जाम में से आपको जैसे 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, किसी स्टूडेंट को मान लो 70 नंबर इस पेपर में मिले, ठीक है, तो उसका जो 70% होगा वो कितना होगा, 49 होगा, ठीक है। और मान लो उस स्टूडेंट के बीएससी के अंदर ओवरऑल 60% है तो उसका कितना एड होगा, इसमें 18 एड हो जाएगा, तो इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 67 हो गए, ठीक है, इसके कितने हो गए, 67 हो गए। सिमिलरली मान लो किसी स्टूडेंट ने 100 में से 80 नंबर कवर किए इस पेपर में, तो इसका कितना मिलेगा, इसको 70% मिलेगा और इसका 70% कितना होगा, 56 होगा, ठीक है, इसका 70% कितना होगा, 56 होगा, क्लियर सभी स्टूडेंट को। और मान लो बीएससी में उस स्टूडेंट के मान लो 50% है, बीएससी में उसके कितने हैं 50%, तो इसका 30% कितना हो गया, 15 हो गया, तो प्लस 15 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना मिला इसको, 71 मिला, ठीक है, इसको कितना मिल गया, 71 मिल गया, क्लियर सभी स्टूडेंट को। ये चीज़ समझ में आई होगी, तो पेपर किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आपको मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब कई स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि यार हमारे तो बीएससी के अंदर 60% ही है, हमारा तो क्या ही होगा, कोई सोच लेता है यार मेरे तो 50-55 है, मेरा तो क्या ही होगा, ये सोच सबसे गंदी है, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो इसका जो 30% वेटेज है उसके अंदर, जैसे मान लो किसी बच्चे के अगर 80% है,
ठीक है, बीएससी में ओवरऑल, और किसी बच्चे के मान लो 60% है, इसका तो ऐड कितना होगा 18, इसका कितना ऐड होगा 24, यहाँ जो डिफरेंट आ रहा है वो कितने मार्क्स का आ रहा है, 6 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए, मैं ये नहीं कह रहा 6 मार्क कम होते हैं, 6 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट यहाँ मेहनत करके, इसके अंदर मेहनत करके वो यहाँ ये जो 6 मार्क है वो कवर कर सकता है। अगर इसने मान लो इससे ज़्यादा 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन सही कर दिए तो ये इसके बराबर ही है। तो जिसने यहाँ थोड़ी मेहनत में कमी रखी हो वो यहाँ मेहनत कर लेगा, ठीक है, यहाँ मेहनत कर लेगा तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो इसकी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो रहती है आपकी 55-60% के अराउंड, ये इसका कट ऑफ मार्क्स का क्राइटेरिया रहता है लास्ट ईयर के कंपेरिजन देखा जाए तो। ठीक है, पिछले सालों के जो 3-4 सालों के जो क्राइटेरिया है उसके अंडर अकॉर्डिंग इसका जो क्राइटेरिया होता है एक्सपेक्टेड, ये कट ऑफ मार्क्स इसका रहता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ऐसे मान के चलो आप 60% प्लस पे आपको सिलेक्शन मिल जाता है इसके अंदर। टोटल अगर हम सीट्स की बात करें इसके अंदर, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर टोटल जो सीट होती है आपकी, जो टोटल सीट होती है वो ध्यान रखना, वो होती है आपकी इसके अंदर 90। मैथमेटिक्स के अंदर जो सीट होगी आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में वो कितनी होती है दोस्तों, 90 सीट पे होती है। ठीक है, 90 सीट कैंपस के अंदर रहती है। कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है? जिसने बीएससी कंप्लीट की है हाल ही में, वो सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। जिसने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन करने वाला जो अब पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, वो हर एक स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो प्राइवेट हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय से हो, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके पास ग्रेजुएशन की अगर डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपका 25-30 जून के बीच में इसकी एग्ज़ाम होगी। जो एग्ज़ाम डेट होती है आपकी, वो एग्ज़ाम डेट ध्यान रखना, जो एग्ज़ाम डेट होती है वो एग्ज़ाम डेट इसकी ध्यान रखना 25 जून से लेकर 30 जून के बीच में होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा वो कब होगा? 25 जून से लेकर 30 जून के बीच में होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और इसमें बता देता हूँ मैं, इसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा 5-7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी, जिसका सिलेक्शन होगा उसको आमंत्रित कर लिया जाएगा एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पहुँच जाओ। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि सर ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कितने मार्क्स का पेपर होता है। एक मार्क का मतलब 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 70% उसके काउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद में बीएससी का 30% ऐड करना है, ये भी समझ में आ गई। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, अभी तो ये भी कॉन्फिडेंस आ गया कि कितने भी परसेंटेज हो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज़ बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ उन स्टूडेंट के लिए जिनके परसेंटेज कम है, वो बिल्कुल ना घबराए, एकदम कॉन्फिडेंट रहें। अगर एमएससी करना चाहते हो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कैंपस से आपका एमएससी पास आउट होना बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सबसे मोटी मोटी चीज़ है फ़ीस नहीं लगती, वरना 30-40 हज़ार रुपये एमएससी की फ़ीस होती है, वो फ़ीस ही नहीं लगती। ठीक है, तो देखना अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो क्या रहता है, उस सिलेबस के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं अपन। सिलेबस क्या रहता है इसका, तो सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस इसके अंदर आपके जो फर्स्ट ईयर के 3 पेपर होते हैं, सेकेंड ईयर के 3 पेपर होते हैं और फाइनल ईयर के 3 पेपर होते हैं, वही क्या रहता है इसका सिलेबस रहता है। और फर्स्ट ईयर का देखो, फर्स्ट ईयर में 3 पेपर आप पढ़ते हो, एक तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हो। मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से तैयारी करो। ठीक है, जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है वो भी एक बार इस पर नज़र डाल लें। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर चलते हैं, सभी को पता है 3 पेपर में कौन कौन सा। फर्स्ट पेपर होता है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहला पेपर होता है इसमें। इसमें दूसरा पेपर होता है आपका कैलकुलस का, और थर्ड पेपर इसमें होता है 3D जियोमेट्री का। ठीक है, और साथ में इसमें ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी भी आपकी होती है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस रहता है।
ठीक है। सेकंड ईयर के सिलेबस की बात करें तो पहला पेपर इसमें होता है आपका रियल एनालिसिस का, ठीक है, रियल एनालिसिस का। सेकंड पेपर इसमें आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, और थर्ड पेपर इसमें आता है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर का, ठीक है। थर्ड ईयर की बात करें तो पहला पेपर आता है इसमें आपके अलजेब्रा का, सेकंड पेपर आता है इसमें आपके कॉम्प्लेक्स का, और थर्ड पेपर इसमें आपका आता है मैकेनिक्स का, यानी कि डायनेमिक्स प्लस स्टैटिक्स, ठीक है, ये पेपर आते हैं। अब आपके मोस्ट ऑफ जो भूमिका इस सिलेक्शन में निभाएंगे वो निभाएगा एक तो आपका पहला ये वाला पार्ट जो कैलकुलस का है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लें, ठीक है। एक आपका आता है इसके अंदर अलजेब्रा का पार्ट, एक इस रियल डीई और साथ में ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन सभी से आते हैं, नो के नो पेपर से इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एक सीट रोकनी है, एक सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए हमारा मार्क्स का जो सेट है क्राइटेरिया, वो हमें कितने मार्क्स चाहिए, 70 के अप्रोक्सीमेट हमें मार्क्स चाहिए। तो 30 मार्क तो हमने यहीं पे एक बार छोड़ दिए, तो 30 मार्क्स के लिए आप उन पेपर के पीछे अपना समय खराब करने से बचा सकते हो जो आपको थोड़े बोरिंग लगते हो या अच्छे नहीं लगते या पढ़ने में जिनको जोर आता है उनको एक बार आप स्किप कर सकते हो। लाइक दैट अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बताऊं तो मैं पहले इस 3D को सबके लास्ट में रखना चाहूँगा, ठीक है। कैलकुलस हुआ, रियल हुआ, डीई हुआ, अलजेब्रा हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, इनको मैं प्रायोरिटी पे रखूंगा, ठीक है। तो जो सिर्फ सिलेक्शन का देख रहा है अगले बचे हुए 15-20 दिन में, ठीक है, या आगे भी मान लो कोई गैप देके या कोई सेकंड ईयर का विद्यार्थी है वो अगर MSc इनसे करना चाहता है तो इन सब्जेक्ट पे एक बार फोकस रखें, ठीक है। डिस्क्रिट की अगर मैं बात करूँ तो डिस्क्रिट के अंदर आप एक चैप्टर आता है ग्राफ थ्योरी नाम से, ग्राफ थ्योरी प्लस ट्री, इन दो चैप्टर्स को तैयार कर लो। इसके अंदर क्या तैयार करना है मैं बता देता हूँ, कौन से सब्जेक्ट में क्या तैयार करना है। इसके इन दोनों के अंदर जितनी भी थ्योरम्स हैं उन सभी थ्योरम्स का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। इन स्टेटमेंट से ज़रूर आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाएगा। तो इन सभी थ्योरम के आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी लेनी है, ग्राफ थ्योरी के चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स हैं उन सभी थ्योरम का स्टेटमेंट एक जगह लिख लो, ट्री के अंदर जितनी भी थ्योरम्स हैं उनका स्टेटमेंट एक जगह लिख लो, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस के अंदर इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में आप जो जैसे इलिप्स है, पैराबोला है, यानी कि दीर्घवृत्त है, परवलय है, ठीक है, इनके जो एरिया है इन सभी का एरिया डायरेक्ट याद कर लो। कैलकुलस के अंदर जितने भी एरिया है उन सभी को डायरेक्ट याद कर लो, जैसे स्टैंडर्ड एरिया, जैसे पैराबोला हो गया, ठीक है, साथ ही हाइपरबोला हो गया, ठीक है, और इलिप्स हो गया, ठीक है, और इंटीग्रल में और भी काफ़ी शेप्स चलती हैं जैसे लेमनी स्केट हो गया, ये जितनी भी चीज़ें इनका एरिया वॉल्यूम वगैरह जो है वो डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन, ये छोटी छोटी चीज़ों में आपके 5-6 नंबर ये कवर करके दे देगा। एक बार इसको छोड़ देना, रियल एनालिसिस के अंदर सेम काम करना है, ये वाला सेम काम कर लेना रियल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। जितनी भी थ्योरम्स रियल एनालिसिस के अंदर है उन सब का स्टेटमेंट एक जगह कर लो। स्टेटमेंट को रटने की मत, डेली बस रीडिंग लगा लो, ठीक है, एक बार नज़रों के अंदर से डेली निकाल दो इन चीज़ों को, ठीक है, आंखों के सामने से। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक बार थोड़ा साइड में ले लेते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, इन दोनों की भी सेम कहानी है कॉम्प्लेक्स और अलजेब्रा के लिए, ठीक है। ये इतने से काम में आपको करीब करीब 20 मार्क्स या 20 से 25 मार्क का बेनिफिट आपको ये सिर्फ इतनी सी चीज़ें करवा के दे देगा, ठीक है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये इतनी सी काम हुई तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना है कि आपको डायरेक्ट ही मैं क्वेश्चन दे दूँ कि ये क्वेश्चन कर लेना, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि समय भी आपके पास 15-20 दिन का बचा है, ठीक है, 15-20 दिन का समय मानकर चल सकते हो। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर आगे, कोई सेकंड ईयर में इस वक्त कोई स्टूडेंट है या कोई फाइनल ईयर में ऐसा स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं मैं नेक्स्ट ईयर MSc करूँगा, इस साल नहीं करूँगा, कुछ और करूँगा, तैयारी करूँगा, अगर वो भी अगर तैयारी करना चाहता है इन चीज़ों की, जैसे मान लो कोई IIT JEE की तैयारी करना चाहता है इस बार, और मान लो साथ में ये भी सोचे कि इनकी भी कर लूँ,
भाई कोई एक सीट जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में मिल जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल जाए, या BHU में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो ऐसी सोच स्टूडेंट की रहे। तो इन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रख के अगर इस प्रकार से वो तैयारी करेगा तो इजीली उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा जोर इसमें आएगा नहीं सिलेक्शन होने में, ठीक है। तो फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अभी पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो इनको तो एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है, इनकी एक बार रीडिंग मार लेना। रियल एनालिसिस है इनके, जो जो मैंने थ्योरम्स वगैरह बताए, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको थोड़े से मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, इसका और कोई इलाज नहीं होता। इसके अंदर जैसे जैसे CF PI निकालना होता है, तो मोस्ट ऑफ ध्यान रखना ये CF का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें PI थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। और बात करते हैं, जो पेपर का टाइमिंग होती है वो 2 घंटे की होती है, 2 आवर्स का आपका पेपर होता है, ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कितने का होता है? 1 मार्क का होता है। टोटल पेपर कितने नंबर का होता है आपका? 100 नंबर का होता है टोटल मार्क्स, ठीक है। कितने जुड़ेंगे इसके आपके? 70% जुड़ेंगे। बाकी 30% कहाँ से जुड़ेंगे? आपके BSc के जुड़ेंगे। दोनों को मिलाकर क्या होगा? कट ऑफ लिस्ट जारी होगी, जो एक्सपेक्टेड हम क्या मान के चल रहे हैं, 60% के आसपास के हम ये कट ऑफ लिस्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये मोटा मोटा फेयर था, किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, वो भी मैंने आपको इसे एक छोटे से वीडियो में, छोटे से सेशन में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करते हुए चलें, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो और थोड़ी बहुत तैयारी आपने कर रखी है, ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे आप इस प्रकार से तैयारी करते हो, तो आपका इजीली सेलेक्ट होने के चांसेज है, या आपको एक कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा, ठीक है, कि आप कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँ, PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके MCQ होते हैं, सभी को ध्यान, पेपर पैटर्न जो होता है वो किस प्रकार का होता है, MCQ टाइप होते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, A, B, C और D, जो सही होगा उसको क्या करना है, OMR में भरना है आपको, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसके जो MSc करना चाह रहा है किसी भी सब्जेक्ट से, मान लो कोई फिजिक्स से करना चाह रहा है, तो फिजिक्स का भी मैम ने आपको बताया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से अगर कोई फिजिक्स से करना चाह रहा है तो वो भी देख सकते हो। PYQ लास्ट 5-7 साल के जो क्वेश्चन है, 5-7 साल के जो पेपर पे क्वेश्चन है, कौन से इस एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो इस UREAT PG में पूछे गए क्वेश्चन है, जो PYQs है, उनको भी लगा लो एक बार, उनको सॉल्व करके देख लो, वहां से भी आपको 15-20 क्वेश्चन का फायदा हो जाएगा, आराम से वहां से आपको 15-20 क्वेश्चन का फायदा हो जाएगा। मतलब वहां से 15-20 क्वेश्चन आपको एजिटीज मिल जाएंगे, प्लस और क्या होगा, साथ ही आपको और 15-20 क्वेश्चन ये पता चल जाएगा पेपर में किस प्रकार से करने हैं, अगर इनको सॉल्व कर लिया तो 15-20 35-40 क्वेश्चन और 15-20 क्वेश्चन, ये यहाँ से मैंने जो आपको पेपर पैटर्न बताया, यहाँ से इस प्रकार से आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप 40 मार्क्स भी लेके आते हो पेपर के अंदर, ठीक है, और 20% अगर अपन वो भी मान के चले, ठीक है, 70% कट करके बता रहा हूँ आपका, ठीक है, 70% जोड़ के 40% वो, 30% BSc के मान लो किसी के, कितने भी हो वो मिला के अगर अपन चले तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा जोर आने वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप, और बात करें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, मैंने बता दिया आपको, इन चीज़ों पे फोकस करें, ग्राफ थ्योरी और ट्रीज को फोकस करें, कैलकुलस पूरी पढ़ो। अब 3D में आते हैं लास्ट में, समय अगर किसी के पास, किसी को 3D बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी लगती है, तो वो 3D के अंदर जैसे स्पेयर का पार्ट है, कौन का पार्ट है, कोनिकोइड, सेंट्रल कोनिकोइड है, ठीक है, और सिलेंडर है, ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ लो। और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में जैसे ड्यूलिटी है, सिंप्लेक्स है, कॉन्वेक्स सेट है, ये चीज़ें इसके अंदर पढ़ लो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर तैयारी करोगे तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। वेक्टर को पढ़ लो, NA को थोड़ा बहुत देख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट को जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ होगा इस क्लास से, ठीक है। तो मिलते हैं अपने किसी नए सेशन में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।